हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरु ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, कल हमने मैथ्स की स्ट्रैटेजी के बारे में बात की थी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप एक बार उस वीडियो को जरूर देख लें। अगर आप ग्रुप डी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। मैथ्स की पूरी स्ट्रैटेजी मैंने वहाँ पर आपको बताई है, किस तरह से आप मैथ्स में जो है ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि रीजनिंग में अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में, तो यहाँ पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको अच्छे से करने होंगे। टोटल 5 ऐसे चैप्टर मैं आपको बताऊंगा जो आपको रीजनिंग में ज़्यादा स्कोर करने में हेल्प करेंगे। देखिए, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सभी स्टूडेंट लगभग अच्छा स्कोर कर लेते हैं, क्योंकि सभी के लिए जो है रीजनिंग टिपिकल नहीं होती है। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हर स्टूडेंट यहाँ पर नहीं कर पाता है, तो अगर आप उन टॉपिक्स पर फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आप बाकी स्टूडेंट से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो कौन कौन से टॉपिक है वो बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ। ग्रुप डी में जो रीजनिंग आपकी आएगी वो लगभग 30 नंबर की रीजनिंग यहाँ पर पूछी जाती है, यानी कि 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के पूछे जाएंगे। अब देखिए, अगर बात करें टोटल टॉपिक्स की तो रीजनिंग में आपके टोटल लगभग 15 टॉपिक रहते हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, इन 15 टॉपिक में से जो 10 टॉपिक होते हैं वो लगभग सभी स्टूडेंट आसानी से कर लेते हैं। जैसे आपका डायरेक्शन टेस्ट हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, रक्त संबंध वाला जो चैप्टर है, या फिर एनालॉजी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, तो ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो लगभग सभी स्टूडेंट कर लेते हैं जिसने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी की है, तो वो आसानी से इनको अटेम्प्ट कर जाएंगे। लेकिन 5 यहाँ पर ऐसे चैप्टर होते हैं जो सभी स्टूडेंट के लिए करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो देखिए, अगर आप रीजनिंग में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको इन 5 टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना होगा, यही आपको जो है बाकी स्टूडेंट से आगे ले जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक एक मार्क्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। प्रीवियस ईयर के जो ग्रुप डी के एग्जाम हुए थे वहाँ पर पॉइंट से जो है स्टूडेंट का सिलेक्शन रुका था, तो आपको ये बात यहाँ पर याद रखनी है, एक एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, 5 चैप्टर कौन से। सबसे पहला जो इसमें आपका चैप्टर आता है वो होता है सीरीज या फिर मिसिंग नंबर वाला, इसको हिंदी में श्रृंखला या फिर लुप्त पद बोला जाता है। देखिए, इस तरह के इसमें क्वेश्चन होते हैं, जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 2, 4, 6 और नेक्स्ट पद आपको बताना होता है कि कौन सा है। और मिसिंग नंबर में आपके किस तरह के आते हैं, इसमें आपको कोई फिगर दे दिया जाता है, जैसे मान लीजिए ये फिगर यहाँ पर बना दिया और यहाँ पर 14 लिख दिया, यहाँ पर 12 लिख दिया, और आपसे पूछ लेगा कि यहाँ पर क्या आएगा। तो इस तरह के जो है यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपके माइंड की कैचिंग पावर देखी जाती है कि कितना जल्दी आप क्वेश्चन को कैच कर रहे हैं। अब देखिए, सभी स्टूडेंट जो है इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते। सबसे पहला तो यहाँ पर रीजन होता है कि इन क्वेश्चन की जो है प्रैक्टिस स्टूडेंट नहीं करते। देखिए, जो आपका सीरीज वाला चैप्टर है या फिर जो आपका मिसिंग नंबर वाला चैप्टर है, ये सबसे ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपको इनके कंसेप्ट का पता लगेगा। अगर यहाँ पर मैं सीरीज वाले चैप्टर की बात करूँ तो मुश्किल से जो है 8 से 10 तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, यानी कि यहाँ पर इनका जो पैटर्न होता है वो 8 से 10 टोटल पैटर्न यहाँ पर यूज होते हैं। अगर वो 8 से 10 पैटर्न आपने अच्छे से समझ लिए तो आप क्वेश्चन को देखते ही बता देंगे कि इसमें कौन सा पैटर्न लगा है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सीरीज और मिसिंग नंबर वाले चैप्टर की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। देखिए, यहाँ से कम आपके 2 से 3 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। सीरीज के कई बार जो है 2 क्वेश्चन भी आते हैं और मिसिंग नंबर का 1 क्वेश्चन आता है, तो ओवरऑल अगर देखें तो लगभग 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। तो ये वाला चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करें। इनके पैटर्न को क्या करना है, आपको नोट डाउन कर लेना है, बार बार आपको उन पैटर्न को लर्न करना है, उन पैटर्न के आधार पर जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो यहां से आप अच्छा खासा स्कोर रीजनिंग में कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है सिलॉगिज्म, यानी कि न्याय निगमन। देखिए, ये ऐसा चैप्टर है, जब मैं कोचिंग करता था या फिर मैंने बाकी स्टूडेंट को भी देखा, इस चैप्टर को लेकर बहुत ही ज्यादा यहाँ पर रूमर्स हैं कि इसके आपको रूल्स याद करने पड़ेंगे। देखिए, रूल्स याद करने के बाद भी इसके क्वेश्चन सही नहीं होते हैं। मैं आपको बता दूं, जो ये न्याय निगमन वाला चैप्टर है बहुत ही सिंपल चैप्टर, लेकिन स्टूडेंट्स ने क्या किया हुआ है, इसको खुद ही टिपिकल बनाया हुआ है। इसमें भी कुछ नहीं, इसमें मुश्किल से 2 से 3 यहाँ पर पैटर्न आपको समझने होंगे। आपको जो इसके रूल्स हैं, सिर्फ 2 से 3 रूल हैं जो आपको यहाँ पर समझने होते हैं, तो ये वाले चैप्टर पर आपको स्पेशल फोकस करना है। देखिए, यहाँ से भी जो है आपके 2 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है सिलॉगिज्म वाले चैप्टर से। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस चैप्टर को अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो अगर आप इसको कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप बाकी स्टूडेंट से अच्छे मार्क्स जो है गेन कर सकते हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है सिटिंग अरेंजमेंट, यानी कि बैठने की व्यवस्था। अब देखिए, ये वाला चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो मैं आपको बात बता दूं, इसका अगर क्वेश्चन आता है तो इसके एक ही क्वेश्चन से आपको जो है 2 या 3 क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। मतलब आपसे क्या करेगा, एक बैठने की व्यवस्था बनवाएगा, एक क्वेश्चन आपको देगा, उसके आधार पर जो है कम से कम जो है आपसे 2 क्वेश्चन तो पूछेगा ही, और कई बार यहाँ से 3 क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि भाई पी के बराबर में कौन बैठा है, आर के बराबर में कौन बैठा है। और देखिए, मोस्टली स्टूडेंट का ये क्वेश्चन जो है गलत होता है एग्जाम में। क्यों गलत होता है, इसके लिए मैं आपको बता दूं, देखिए इसका मैं एक आपको गोल्डन रूल बता देना चाहता हूं। जब आप इस क्वेश्चन की फिगर बनाते हैं तो आपको क्या करना है, साथ के साथ दूसरी फिगर भी बना के चलनी। जैसे ये मतलब कि जितनी भी कंडीशन यहां से बनती है वो फिगर आपको साथ के साथ बना के चलनी। स्टूडेंट क्या करता है, एक फिगर बनाएगा, फिर देखिए एक पॉइंट पर जाकर वो बनेगी नहीं, फिर काट के दोबारा स्टार्टिंग से बनाएगा। तो आपको क्या करना है, अगर आपको यहां पर 2 कंडीशन लग रही है या 3 कंडीशन लग रही है, मैक्सिमम 3 कंडीशन के आधार पर इसकी फिगर बन जाती है, तो तीनों कंडीशन आपको एक साथ यहां पर लेकर चलनी है। तो इसलिए चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अगर इस चैप्टर को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप बाकी स्टूडेंट से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है कैलेंडर और क्लॉक वाला होता है।
यानी कि घड़ी और कैलेंडर वाला जो चैप्टर है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कैलेंडर के जो क्वेश्चन है, अब यहाँ पर गलत क्यों करते हैं स्टूडेंट, क्योंकि देखिए यूट्यूब पर जितने भी टीचर कैलेंडर पढ़ाते हैं सभी अपने पैटर्न के हिसाब से पढ़ाते हैं, मतलब कि सभी ने अपनी ट्रिक अलग से बनाई हुई है। अब देखिए आप लोग क्या करते हैं, पहले आप एक यूट्यूब चैनल पर चले गए, वहां से आपने इसका कंसेप्ट नोट डाउन कर लिया, 5-4 क्वेश्चन आपने इसके सॉल्व करे, उसके बाद आप क्या करेंगे, एक दो क्वेश्चन अगर आपका सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप उस ट्रिक को छोड़ देंगे, आप क्या करेंगे किसी दूसरे चैनल पर जाएंगे, फिर वहां से आप उसकी ट्रिक नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर कैलेंडर वाले चैप्टर को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ पर स्टूडेंट में रहती है। तो मैं आपको बता दूं किसी भी एक टीचर के पैटर्न को आपको फॉलो करना है, क्वेश्चन जिसके सॉल्व होते हैं थोड़ा सा ध्यान से करने होते हैं, और ज्यादातर मैंने देखा है कि जो कैलेंडर के क्वेश्चन गलत स्टूडेंट करते हैं वो जल्दी करने के कारण करते हैं, जितना ज्यादा आप इसको जल्दी करने की कोशिश करेंगे उतना ही यहाँ पर आपके क्वेश्चन जो है गलत हो जाते हैं। ताकि जो आपका घड़ी वाला चैप्टर यहाँ पर तो फिक्स होते हैं इसके रूल, तो इसका जो क्वेश्चन है वो तो थोड़ा आसान रहता है, लेकिन जो कैलेंडर का क्वेश्चन है वो कई बार स्टूडेंट गलत कर देते हैं। तो इस वाले चैप्टर पर अगर आप फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आप लोग जो है ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। और देखिए लास्ट यहाँ पर जो चैप्टर है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। अब देखिए अगर रीजनिंग में आपको मार्क्स अच्छे गेन करने हैं तो ये वाला चैप्टर बिल्कुल आपको अच्छे से करना है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के दो क्वेश्चन आते हैं बेसिकली, यहाँ से वैसे 3 चैप्टर बनते हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, और एक जो है आपका कार्यवाही वाला भी बनता है, लेकिन कार्यवाही वाले क्वेश्चन जो है ग्रुप डी में नहीं आते हैं। मोस्टली ग्रुप डी में आपका या तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आएगा यानी कि कथन और निष्कर्ष आएगा, या फिर आपका अजम्पशन वाला आएगा। तो मुश्किल से आपको ये दो चैप्टर करने हैं। अब देखिए ये दोनों चैप्टर ऐसे हैं जिनके कंसेप्ट स्टूडेंट को समझना बहुत ही मुश्किल होता है, और मैं आपको बता दूं कंसेप्ट समझने के बाद भी इसके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, और ये वाले चैप्टर के दो क्वेश्चन आपको ग्रुप डी में जरूर देखने को मिलेंगे। तो ये वाला चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से करना है, और मैं आपको एक टीचर यहां पर सजेस्ट करता हूं, देखिए इस वाले चैप्टर को यूट्यूब पर इनसे अच्छा किसी ने भी नहीं पढ़ा है। राहुल मिश्रा के नाम से एक टीचर है यूट्यूब पर, राहुल मिश्रा, ठीक है, माई पाठशाला पर वो पढ़ाते हैं। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन और स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, इनसे बढ़िया किसी ने भी यूट्यूब पर अभी तक नहीं पढ़ाया है। तो अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से करना चाहते हैं तो राहुल मिश्रा के चैनल को आप जरूर फॉलो करें, और ये 5 चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से करने अगर आप ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं रीजनिंग में। बाकी स्टूडेंट्स आगे बढ़ने के लिए आपको इन 5 चैप्टर पर फोकस करना होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी रीजनिंग की स्ट्रैटेजी, उम्मीद करता हूँ ये स्ट्रैटेजी आपको पसंद आई होगी, और अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको इसका बेनिफिट भी मिलेगा। तो गाइज अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं, और चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।